चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम। आई नीरज कुमार, स्पेशली दिस क्लास जो है हम अरेंज कर रहे हैं क्लास टेंथ के बच्चे के लिए, स्पेशली टेंथ सी के बच्चे के लिए, नए बच्चे जो टेंथ में आए हैं उनके लिए। सो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था करेंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ रखा था चार्ज क्या होता है, किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाया जाता है, फिर ओम्स लॉ हमने देखा था, फिर करंट क्या होता है ये बताया गया था, फिर करंट अगर चार्ज एंड टाइम गिवन है देन करंट क्या होगा, अगर करंट एंड टाइम गिवन है तो चार्ज क्या होगा, ये सब हम लोगों ने सीख रखा था। ओके चलो, ये स्पेशली ये वीडियो जो होगा हम दो चीज़ें डील करेंगे, एक तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके बारे में बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल या वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, एंड उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, स्पेसिफिकली कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स के रिगार्डिंग हम लोग इसमें डील करेंगे, जो कि टेंथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल का मतलब जैसा कि आप जानते हो कैलिबर कैपेबिलिटी, ये वैसा ही इसमें होता है। सो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जनरली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रॉपर्टी होता है, किसी चार्ज के अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को के पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करते हैं या जानना चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इस सब के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है नॉलेज ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ओके सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कहीं दूर से इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में प्लेस करते हैं, तो दूर से इस फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल। ओके वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करते हैं, उसके लिए बाद में फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम फिर से बात कर रहे हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी गिवन पोजीशन पे दूर से किसी चार्ज पार्टिकल को वेरी स्लोली लाकर प्लेस करने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो भी यूनिट चार्ज को, ओके यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसको ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, एट ए पॉइंट इन ए फील्ड, एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन अ स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो इसको हम बोर्ड पे लिख लेते हैं एक बार फिर से। सो इट इज डिफाइंड एज work done in bringing a unit, याद रखेंगे unit positive test charge from infinity to given position in an electric field
स्लोली। यहाँ पे स्लोली जो एक वर्ड है इसका भी मतलब होता है, इसका डिटेल में मतलब जो है हम बाद में ट्वेल्थ में समझते हैं। ओके, स्लोली कहने का मतलब उसको आराम आराम से उसमें एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, बहुत ही स्मॉल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी चार्ज पार्टिकल को दूर से इन्फिनिटी से गिवन पोजीशन, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट करना है, उस पोजीशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो मैथमेटिकली जो होता है इट इज रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल टू मैग्नीट्यूड टू चार्ज। सो पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजिशन आर डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, इसको ऐसा याद रखेंगे या इसको भी हम इस सिंबल को मिटा देते हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। ट्वेल्थ में इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इसमें IIT जी से निश्चित तौर पे मेंस हो एडवांस हो हर एक जो है एग्ज़ाम में IIT जी या AIPMT के लेवल पे डेफिनेटली इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ओके, सो इसमें यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली इट इज़ रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल टू चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे और कुछ भी अटैच कर सकते थे लेकिन अभी के लिए हम इतना वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे याद रखेंगे W जो है ये क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q from infinity and very slowly, याद रखेंगे very slowly, ये एक कंसेप्ट होता है, आगे हम समझेंगे। slowly मतलब आराम आराम से, तेजी से खींच के नहीं ला के फेंक दिए तो उसमें वो अलग होगा, पोटेंशियल का कैलकुलेशन जो होगा वो सही नहीं होगा। ओके, सो स्लोली लाएंगे तभी ये हमारा पोटेंशियल का कैलकुलेशन सही होगा। इस पॉइंट को हम याद रख लेते हैं अभी ही, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट होता है। ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड में जाएंगे तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आप टेंथ जैसे ये ख़त्म होगा हमारा सिलेबस, उसके बाद एक्स्ट्रा जब आपके करिकुलम होंगे फाउंडेशन लेवल का, मतलब कि मेंटर थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा जब ट्वेल्थ का स्टार्ट करेंगे, देन आपको 11th में जाने से पहले ही इस पर अच्छा खासा हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ इतना मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो अगर कोई चार्ज क्यू है तो क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर हम W वर्क कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पोजीशन का होगा W बाय क्यू। याद रखेंगे यहाँ पे चार्ज को लाते कैसे हैं, वेरी स्लोली, बस इतना याद रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे याद रखोगे, ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मान लो कि यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के कोई भी पार्टिकल है या बॉडी है चार्ज है तो उसके आसपास क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे मास है तो मास के आसपास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कोई चार्ज बॉडी है चार्ज है तो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फील्ड मतलब जैसे कि ओपन एरिया, विसिनिटी का एरिया हम लोग सभी जानते हैं। सो
मान लेते हैं कि इसके आसपास यहाँ से यहाँ तक ये मान ले कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक। सो मान लो कि यहाँ दूर से किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस करने के लिए जो है यहाँ पे r इक्वल टू इन्फिनिटी है, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक चार्ज है q, और यहाँ से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या पोटेंशियल होगा। यहाँ पे r इक्वल टू सपोज r है यहाँ पे पोजीशन, और इसको हम यहाँ से यहाँ पे लाते हैं तो हमें W खर्च करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वी आर जो हो जाएगा यहाँ पे W बाय क्यू हो जाएगा, W बाय क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर वी इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुँच पाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। अगर चले गए अर्थ से बहुत दूर चले गए तो फ्री स्पेस में और भी ऊपर चले गए तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट जैसे ख़त्म हो जाता है, वैसे ही क्या होगा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। ओके, सो इस केस में ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा वहाँ पे जीरो हो जाएगा, वी इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो याद रखेंगे गिवन पोजीशन एट जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या पोजीशन होता है वहाँ पे कुछ पोटेंशियल वी है, तो जनरली वो क्या होता है इन्फिनिटी के रिफरेंस के में होता है, इन्फिनिटी के रिफरेंस में होता है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। ओके, सो बेसिकली हम बात करेंगे यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सो ए उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजिशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली। ओके, मैथमेटिकली इट इज़ रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल टू चार्ज and V equal to W by Q, very important formula, इसको हम याद रखेंगे V equal to W by Q, और यहीं पर W equal to V in W equal to V into Q लिख सकते हैं हम लोग। सो इसको याद रखोगे वर्क W जो होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी एंड वेरी स्लोली। सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, उसको हमें प्लेस करना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, W काम करना पड़ेगा, और W इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन एंड इन टू दिस चार्ज क्यू। ओके, सो यहाँ पे याद रखेंगे W जो होता है बेसिकली जनरली अगर हम बात करेंगे तो W वर्क डन जो होगा वर्क डन W इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे दो फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे W बाई क्यू, एंड वर्क डन ऑन चार्ज पूछा गया इन मूविंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू क्यू। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का भी, आप हाँ कि समझ ही गए। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो है इन्फिनिटी के डिफरेंस में अगर ये डिफरेंस काउंट करेंगे तो ये पोटेंशियल कहलाएगा, और किसी और पॉइंट के डिफरेंस में करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल,
difference between potential of two positions. सिंपली आप इसको समझो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें पॉजिटिव चार्ज को 1 से 2 तक लाना है. ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल होगा V1 और यहाँ पे पोटेंशियल होगा V2 और इसका पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से ही मौजूद उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, उसे 1 से 2 पर ले जाना है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो सपोज इसका पोटेंशियल V1 है इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में और इसका पोटेंशियल V2 है इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में. सो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी जनरली हम लोग V से ही डिनोट करते हैं. V इक्वल टू, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इसको कभी कभी हम लोग डेल्टा V से भी डिनोट करते हैं, याद रखेंगे कैपिटल भी हम लोग यूज करते हैं, डेल्टा वी और कैपिटल वी. ओके, सो डेल्टा वी की बात करेंगे, तो अगर मान लो कि 1 से 2 तक ले जाने में अगर चार्ज है हमारा प्लस क्यू और वर्क करना पड़ा हमें डब्ल्यू, तो इसको आप लिख सकते हो डब्ल्यू बाय क्यू. ओके, सो यहाँ पे याद रखेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी पढ़ते हैं, याद रखेंगे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं. जनरली वोल्टेज की बात करते हैं तो मतलब कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं. ओके, सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो आप लोग सबको ही परिचित हो, अपने होम अप्लायंसेस मोबाइल है, टीवी है या फिर ट्यूबलाइट है, उसमें लिखा रहता है 230 वोल्ट, 180 वोल्ट, इस तरह से करके. ओके, सो ये जो होता है 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इस तरह से. सो वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, याद रखेंगे VOLT और सिंबल जो होगा V होगा वोल्ट होगा. 1 वोल्ट करने का मतलब, 1 वोल्ट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो वर्क को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, जूल पर कूलम, वर्क जो होता है जूल में मेजर किया जाता है और चार्ज जो है कूलम में मेजर किया जाता है, तो 1 वोल्ट मीन जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट हो जाएगा. इसको हम समझ लें, यहाँ पे याद रखेंगे बच्चे इसको अच्छे से. ओके, सो यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को यहीं पे समझ लें. सो इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, आपको बहुत जगह काम आएगा, ये याद रखोगे. वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अगर दो पॉइंट के रिगार्डिंग बात करेंगे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में और दूसरा एक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा इन्फिनिटी पे है, तो उसमें पोटेंशियल हो जाएगा. ओके, सो इसको याद रखोगे बच्चे. चलो अब होपफुली आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए, इसको याद रखेंगे V पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होगा W/Q. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा,
इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे साधारण सा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, इफ 2 मिली कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम पोटेंशियल पोजीशन ऑफ पोटेंशियल 2 वोल्ट टू पोजीशन ऑफ पोटेंशियल 8 वोल्ट, देन फाइंड वर्क डन required, work done required to bring the charge in motion. या इसको आप edit कर लिए, to bring the charge from initial position to final position. सिंपल है, इनिशियली जो था 2 वोल्ट पे था और यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ पे चार्ज गया 2 मिली कूलम है और ये पोजीशन 2 है, यहाँ पे V2 है, ये V2 जो है आपका V1 2 वोल्ट है, V2 है आपका 8 वोल्ट. सो वर्क डन हो जाएगा आपका कितना, वर्क डन W अभी हमने देखा क्या होगा, डेल्टा V इंटू क्यू. सो डेल्टा V की बात करेंगे तो V2 माइनस V1 ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कितना हो गया 8 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज गिवन है आपको 2 मिली कूलम, इसको जूल में देना है अगर वर्क डन, तो आप इसको क्या कर लोगे, 2 × 10⁻³ मिली का याद रखेंगे कूलम हो गया. सो वर्क डन की बात करेंगे तो Q × ∆V, सो 2 × 10⁻³ × 6 जूल में ये आएगा. सो ये हो जाएगा आपका 1.12 × 10⁻³ जूल, या फिर आप इसको ही बोल सकते हो 12 मिली जूल. ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए कि किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज गिवन है, पोजीशन 1 जहाँ पे पोटेंशियल पता है, पोजीशन 2 जहाँ पे पोटेंशियल पता है, सो 1 से 2 पर ले गए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो हम सिंपली क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करके उसको चार्ज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब ध्यान रखेंगे मिली है किलो है इसके टर्म में होगा, तो सबको स्टैंडर्ड टर्म में याद रखेंगे पहले. ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम होता है, मिली कूलम नहीं होता है, तो हमें क्या करना है वहाँ पे मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करके पहले रख लेना है, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है. ठीक है बच्चे, सो होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किए हम, क्या होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन या टू रिक्वायर्ड पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इसको हम मैथमेटिकली याद रखते हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू. अगर इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल कहलाएगा, और किसी फील्ड में ही किसी दूसरे पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो इसको याद रखेंगे.
वर्क डन की बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कर सकते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कर सकते हो। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कब होता है, जब एक रिफरेंस जो है इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ये याद रखोगे। सो एक इस तरह का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन होगा, तो इसको देख लीजिए, पॉज करके चेक कर सकते हैं। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, होशियार हो आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट ये बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे ट्वेंटी फाइव जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज, ब्रिंग द, इसको हम बोल देते हैं 0.2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पोजिशन, पर्टिकुलर पोजिशन इन गिवेन इलेक्ट्रिक फील्ड, गिवेन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डिटरमिन द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजिशन इन द फील्ड। ओके, सिंपल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, इन्फिनिटी से ला रहे हैं स्लोली, और इतना वर्क करना पड़ रहा है। ओके, सो वर्क किया आपने कितना, 25 जूल, तो वर्क लिखो 25 जूल। कितने चार्ज को लाया जी, सो चार्ज आया आपका 0.2 कूलम, ठीक है। अब उस पॉइंट का पोटेंशियल की बात करेंगे, तो पोटेंशियल भी जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, W बाय क्यू हो जाएगा। पोटेंशियल भी जो होगा वो क्या होगा, W बाय क्यू हो जाएगा। सो इसको हम 25 बाय 0.2 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 125। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये 5 हो जाएगा। सो इसका मतलब 125 वोल्ट उस पोजीशन का पोटेंशियल हो जाएगा, 125 वोल्ट। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन होपफुली आप लोग सभी आसानी से कर लोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल कैलकुलेट करना बोलेगा, अगर वर्क डन एंड चार्ज गिवन है तो। और दूसरा क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो वर्क डन पूछेगा, तो आप ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलो अभी इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होपफुली उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से सीख पाओगे, और फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और सीखते रहिए। थैंक यू।